ये तो निश्चित है कि आधुनिक काल में 1930 के आसपास विशेषीकरण की प्रवृत्ति एक उपलब्धि थी, जिसके कारण से भूगोल की कई उपशाखाएं बन गई। उनमें से कुछ उपशाखाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और भी भूगोल की उपशाखाएं हो सकती हैं, जैसे राजनीतिक भूगोल, यानी भूगोल का राजनीति के साथ कैसा संबंध है, राजनीतिक क्षेत्र कैसे है, कैसे राज्य है, कैसे देश है, कैसे गांव है, और कैसे अन्य प्रदेशों की तुलना हम राजनीतिक भूगोल के अंदर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मानव भूगोल की एक उपशाखा हो सकती है सैनिक भूगोल, जिसके अंदर सैन्य विवरण दिया जाता है कि किस प्रकार से सैनिक युद्ध में जाएगा, कौन से क्षेत्रों की खोज करेगा, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो इनका अध्ययन सैनिक भूगोल के अंदर करते हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा से संबंधित अगर कोई विवरण है, चिकित्सा भूगोल में हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, जैसे खनिज है, वन है, पशुपालन है, कृषि है, इसका अध्ययन करते हैं तो उसे सामाजिक भूगोल में कर सकते हैं। इसी प्रकार से यात्रा भूगोल भी हो सकती है कि किस प्रकार से भूगोल वेताओं ने यात्रा की, किस प्रकार से विश्व की यात्राओं में नाविकों का योगदान था, तो हम इसे यात्रा भूगोल में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रकार हो सकता है अन्वेषण भूगोल। अन्वेषण भूगोल का मतलब किस प्रकार से खोज की गई, किस प्रकार से मिथक रहस्य खुले, किस प्रकार से परिवर्तन आए और किस प्रकार से तकनीक में परिवर्तन हुआ और आगे बढ़ी। इसी प्रकार से विज्ञान भूगोल भी हो सकता है। इसी प्रकार से जनसंख्या भूगोल है। जनसंख्या भूगोल में प्रदेश की जनसंख्या के बारे में किया जाता है, कैसा आवास है, कैसा अधिवास है, किस प्रकार की जनसंख्या रहती है, प्राथमिक क्षेत्र में कैसी जनसंख्या होनी चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र में कैसी होनी चाहिए और तृतीयक क्षेत्र में कैसी होनी चाहिए। ये घटना 1930 के आसपास की, यानी आधुनिक काल के आसपास की। धीरे धीरे और समय परिवर्तन हुआ और 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 20 वर्षों के अंदर अंदर भूगोल की उसे वस्तु में स्थानिक संगठन आने लगे। कुछ उपागमों की खोज हुई, जैसे कल्याण उपागम जो मनुष्य के कल्याण पर ध्यान दे, तो आधुनिक काल की ये विशेष घटना थी। इसी प्रकार से मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों को पहचान रहा था भूगोल, तो उसमें परिवर्तन दिखाई दिए और समय परिवर्तन हुआ। 1970 तक आते आते अनेक परिवर्तन हुए। दार्शनिक विचारधाराएं थी उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। मानव कल्याण पर विचारधारा तो थी, जिसका मतलब ये था लोगों का सामाजिक कल्याण होना चाहिए। उसके जितने भी पक्ष है सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय जरूरी है। यदि व्यक्ति के पास साधन है तो अच्छे चिकित्सक को दिखा सकता है, साधन है तो जिस व्यक्ति को जहां जाना चाहिए उससे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वो स्वास्थ्य की सेवा भी ले सकता है। तो ये मानव कल्याण के पक्ष है, जिसको अगर देखा जाए आधुनिक समय में विश्व के राज्य, भारत के राज्य, विश्व के विभिन्न देश क्या करते हैं, इसको मानव विकास सूचकांक द्वारा बताते हैं, जिसका परिणाम अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हमें दिया है। इसी प्रकार से आचरण पर विचारधारा के अनुसार ये बताया गया है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसी आर्थिक क्रियाएं करना चाहिए। तो आर्थिक क्रियाएं करे वो केवल लाभ पर नहीं जाए, लाभ के अतिरिक्त वो सेवा भी करे, और सेवा भी नहीं करे बल्कि अपने आर्थिक कल्याण को भी देखे, अपना भी फायदा करे, वो पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो मानचित्र